हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। ये टॉपिक बेसिकली सेल ACTT एग्ज़ाम का, ये हुआ था 23/6/2019 को। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है और 100 में 80 रहेगा आपका टेक पार्ट और 20 रहेगा नॉन टेक पार्ट। सो 80 टेक पार्ट में हम थे सिर्फ 40 क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायड। ये सिलिकॉन का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है। नेक्स्ट चलो चलते हैं। इंटरनेशनल ओम यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, एक जो भी हमारा पैरामीटर्स होता है, चाहे वो वोल्टेज हो, करंट हो या रेजिस्टेंस हो, कुछ भी पैरामीटर हो, उसका जो यूनिट जो डिफाइन किया जाता है तो वो एक स्टैंडर्ड को बेस करके उसका डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये भी उसी तरह सेम है। और इसको हम क्या करते हैं, एक कॉलम में मर्क्यूरी को लेते हैं और वो कॉलम का जो साइज होता है वो लेंथ 160 सेंटीमीटर के आसपास होता है और उसमें जो मास कॉलम मर्क्यूरी रखा जाता है उसमें वो होता है 14.45 समथिंग ग्राम के आसपास, और वो आइस का मेल्टिंग टेम्परेचर में उसको रखा जाता है और उसी को बेस करके ये डिफाइन हुआ है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, उसको इंटरनेशनल यूनिट भी बोला जाता है, इंटरनेशनल ओम। ठीक, सो ये कॉलम ऑफ मर्क्यूरी होगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ द कैथोड ऑफ ए जीनो डायड इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स सिंबल। आपको पता है ये जो जीनो डायड ऐसे होता है, ठीक, जेड सब का होता है, सो लेटर जेड आंसर होगा। 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1000 किलो ओम। ये आपको बहुत आसान सवाल ही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इफ द कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड देन द मोटर विल। फ्रेंड्स देखिए, सेल में बेसिकली मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड सवाल पूछता है। ठीक है, तो इसलिए जो डायरेक्ट सवाल है उसको डायरेक्ट ही हम चलते हैं और जो कॉन्सेप्ट वाला उसको थोड़ा समझाते हैं। जैसे कि ये एक सवाल आया, इफ द कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, एक सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर, सिंगल फेज में कोई भी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ये तो एक इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को पता ही होगा। ठीक, तो उसमें क्या होता है, तो हमको अगर उसको स्टार्ट करनी है तो कोई एक एडिशनली हम उसको पल्स देके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि किसी ने स्टार्टिंग वाइंडिंग रखा जाता है, कि कोई अगर सेडल पॉड है तो उसमें एक सेडिंग रिंग रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज मोटर, सो कैपेसिटर का काम क्या है, वो फेज को स्प्लिट करेगा और उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जनरेट करता है, तभी मोटर घूमता है। अगर वो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा मतलब वो स्टार्ट होगा नहीं, सो आंसर वो नॉट स्टार्ट। और भी आप थोड़ा और टेक्स्ट बुक अगर है आपके पास तो थोड़ा और थोड़ा पढ़ लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट है। इफ द फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम 50 हर्ज टू 100 हर्ज कीपिंग वोल्टेज कॉन्स्टेंट द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए कोयल कनेक्टेड टू सप्लाई। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है, यानी XL इक्वल्स टू ओमेगा L, ये पता है। सो ओमेगा इक्वल्स टू 2πfL। सो पहले F के जगह पे हम क्या डालेंगे, 50 डालेंगे, और जो सेकेंड में F के जगह 100 डालेंगे, तो कितना चेंजेस हुआ, 2 times। अगर फ्रीक्वेंसी 2 times चेंज हुआ तो XL भी 2 times चेंज हो जाएगा, सो बिकम्स डबल्ड। ओके, चलो नेक्स्ट। इफ द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, सो स्पीड का रिलेशन कैसा है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB/Φ। सो EB एंड N बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर EB बढ़ेगा तो N बढ़ेगा एंड अगर N घटेगा तो EB भी घटेगा। सो ये पूछा है, अगर स्पीड अगर हाफ हो जाता है तो जनरेटेड EMF 1/2 होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंपल सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी जो स्टोर करता है वो इंडक्टर होता है। अगर पूछता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में कौन एनर्जी स्टोर करता है तो होता है कैपेसिटर, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा इंडक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, द कैपेसिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेशन यूनिट इज मेजर्ड इन टन, ये बहुत डायरेक्ट सवाल है। ऑटो ट्रांसफार्मर इज वन इन विच हैज ओनली वन वाइंडिंग, क्योंकि फ्रेंड्स ऑटो ट्रांसफार्मर कैसा होता है, ऐसे मान लो प्राइमरी और यहाँ से टैपिंग होता है, ये इसका सेकेंडरी और ये इसका प्राइमरी, सो ऑटो ट्रांसफार्मर एक ही वाइंडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे आप थोड़ा ये एनालिसिस देखने के बाद और एक बार टेक्स्ट बुक भी देख लेना, ठीक, तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट चलते हैं इन ऑर्डर 11 नंबर।
The difference of potential between the two terminals of a cell in an open circuit is called the dash. टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है. बेसिकली अगर दो टर्मिनल के बीच अगर वोल्टेज हम मेजर करते हैं तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. और ईएमएफ है जो जनरेटेड. सो हमेशा ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन टू पीडी और टर्मिनल वोल्टेज. नेक्स्ट है द थ्री टर्मिनल्स ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर. बाइपोलर ट्रांजिस्टर कैसा होता है? ऐसे, ठीक. ये बेस होता है, ये एमिटर और ये कलेक्टर, ठीक है. सो आंसर होगा ए, एमिटर कलेक्टर बेस. द डमी कॉइल इन ए डीसी मशीन. डोमी कॉल या डीसी मशीन यूज टू. डीसी मशीन में डोमी कॉल का काम क्या है? फ्रेंड्स पता है आपको कि डीसी मीटर में या डीसी मशीन में दो तरह का वाइंडिंग होता है. एक होता है लैप और एक होता है वेब, ठीक है. वेब वाइंडिंग कैसे होता है? ऐसे करके वेब शेप की तरह, ठीक. इसमें इसका जो एक एंडिंग पॉइंट है और दूसरा वाइंडिंग का स्टार्टिंग में कनेक्ट होता है. ये फ्रेंड्स क्या होता है, जो रोटर होता है वो रोटर बेसिकली कैसे एक रोटेटिंग टाइप यानी एक सर्कल टाइप होता है. इसमें जो भी स्लॉट है, जब वेव वाइंडिंग होता है तो एक एक स्लॉट में कुछ कुछ कॉइल नहीं मिल पाता उसको, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम डोमी कॉइल यूज़ करते हैं. सो आंसर होगा सी, ब्रिंगिंग अबाउट मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर. नेक्स्ट फ्रेंड्स 14 नंबर, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन एडिशन सेल. एडिशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट हम जो यूज़ करते हैं वो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इलेक्ट्रोलाइट फ्रेंड किस लिए यूज होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट में ही उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में ही होता है, ठीक. और इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का कंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक. कोई इंसुलेटर नहीं है. नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप तो है ही नहीं क्योंकि उसमें जो रोटर पार्ट है वो तो शॉर्ट सर्किटेड, ठीक. आंसर होगा जीरो. ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ कार्बन, ठीक है. फ्रेंड जो डायरेक्ट सवाल है उसमें डायरेक्ट चलते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं. किर्चस वोल्टेज लॉ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये एनर्जी होता है क्योंकि इसमें जो टोटल जो के ब्रांच में जितना भी रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस में जो करंट फ्लो होगा उसका सम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल जो EMF अप्लाइड होता है. सो इसका प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट फ्रेंड्स 18 नंबर है, 50 और 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज फुल लोड स्पीड ऑफ 1440. अगर फ्रेंड्स 1500 होता तो नंबर ऑफ पोल्स कितना होता? 4 होता. 1440 है मतलब 4 ही होगा, आसपास ही होगा, कैलकुलेट कर लेना. द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक एसी मेन सप्लाई वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज. डायरेक्ट सवाल है ये. द इंडक्शन सॉरी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर ऑफ ए डीसी मोटर. डीसी मोटर का जो रोटेशन होता है उसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से और जो जनरेटर होता है उसका डायरेक्शन को फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता करते हैं, ठीक है. उसमें आपको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है. जो थॉम्स एंड फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखा जाता है जैसे कि थॉम इंडिकेट करेगा मोशन ऑफ द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन वो घूमेगा, ठीक है. द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी नॉन एज कंडक्टिविटी. इसका आंसर कंडक्टिविटी है. डायरेक्ट सवाल है ये. फिलामेंट लैम्प ऑपरेट्स यूनिटी पावर फैक्टर में क्योंकि उसमें ना तो लेगिंग होता है ना तो लीडिंग होता है, ठीक है. हमसे फ्रेंड्स याद रखना करंट हमेशा वोल्टेज को लेगा लीड करता है ना कि वोल्टेज करंट को. नेक्स्ट फ्रेंड्स चलो ड्यूरिंग स्टार्टअप ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर. अगर कोई रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, सेंट्रिफ्यूगल स्विच क्या करता है, ठीक है. सेंट्रिफ्यूगल स्विच जब तक मोटर स्पीड से अप नहीं होता है तो हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होकर रहता है. क्लोजेस एंड कनेक्ट होता है स्टार्ट वाइंडिंग. जब 70% स्पीड अटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद वो डिसकनेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट फ्रेंड द हॉम इन ट्रांसफार्मर इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू मैग्नेट रिस्ट्रिक्शन. ये फ्रेंड्स क्या होता है, अगर ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है तो उसका जो कोर होता है वो थोड़ा सैचुरेट स्टेज में आ जाता है और उस टाइम वो थोड़ा कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन फॉर्म में आता होता है तो थोड़ा हमिंग टाइप हॉम करके साउंड आता है. जब ट्रांसफार्मर कोई देखा होगा तो पता चलेगा, ठीक. तो ये बेसिकली एट्रीब्यूटेड टू मैग्नेट रिस्ट्रिक्शन. फोटोडायोड्स कैन टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ नैनो सेकेंड. फ्रेंड्स जो भी डायोड होता है उसका ऑपरेटिंग टाइम हमेशा बहुत कम सेकेंड, आइदर नैनो या माइक्रो. सो अगर नैनो है तो नैनो चूज करो, अगर नैनो नहीं है तो माइक्रो चूज करो, ठीक. नेक्स्ट है द अल्टरनेटर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस. ये डायरेक्ट सवाल है, हमेशा रिपीट होने वाला ये सवाल. नेक्स्ट फ्रेंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ रोटेटिंग स्टार्टर फील्ड एंड रोटर इज टर्म्ड एज स्लिप. डायरेक्ट सवाल है, एक रिलेटिव स्पीड होता है, ठीक है, स्टार्टर एंड रोटर के बीच. SCR हैज डैश PN जंक्शन. SCR में 3 PN जंक्शन होता है. फ्रेंड्स देखिए अगर इसरो में क्या होता है, अगर वो इलेक्ट्रिकल भी
ब्रांच या ट्रेड होता है तो भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ कुछ पूछता है, ये आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं कि अगर इलेक्ट्रिकल है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी इलेक्ट्रिकल है सिर्फ इलेक्ट्रिकल पूछेगा, उसको वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड करता है। इसलिए अगर 80 सवाल है 80 में वो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, लेकिन जो सेल एग्ज़ाम्स है सेल में भी वो इसरो को थोड़ा फॉलो करता है, ठीक है। अगर आप मेरे इसरो वाला वीडियो देखा होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स आता है और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, सो घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत डायरेक्ट सवाल आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आया भी तो। सो चले प्लस चलते हैं 28 नंबर में, आंसर होगा 3 PN जंक्शन, ठीक है। द स्केल ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये स्केल इसका यूनिफॉर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर MI टाइप होता तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का काम क्या है, ब्रीदर फ्रेंड्स क्या कहाँ पे लगता है, कंजर्वेटर टैंक, ठीक, कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक होता है उसके ऊपर कंजर्वेटर टैंक होता है, वहाँ पे वो पाइप के थ्रू लगता है और पाइप को उसके बीच में बकल रिली भी लगता है, ठीक है। ब्रीदर का काम क्या है, ब्रीदर में सिर्फ सिलिका जेल ही रहता है, सिलिका जेल क्या करेगा, वो जब मॉइस्चर अगर जाएगा तो मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर क्या होता है जो ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है ना, वो ऑयल थोड़ा जो हीट होता है तो बाहर का एयर वो अंदर तरफ खींचता है, सो खींचने के टाइम जो भी मॉइस्चर रहेगा एयर में वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आंसर कहाँ होगा, सी, टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर्स द ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड चलो 31, एन इंडक्शन मोटर इन जनरल इज एनालॉगस टू, इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बेसिकली सिमिलर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विद इट सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 3 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट एंड 3 amps करंट इज फ्लोइंग, व्हाट इज इट्स टोटल वोल्टेज, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक 3 है एक 2 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना 5 हो और करंट कितना फ्लो हो रहा है 3 हो रहा है, सो 5 × 3 इक्वल्स टू 15 वोल्ट, डायरेक्ट आंसर है। द फिलामेंट ऑफ एन इनकंडेंसेशन लैंप इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, बहुत डायरेक्ट सवाल है, टंगस्टन का भी फ्रेंड्स याद रखना ना, इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है सारा मेटल से ही हाई होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स चलो, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, जो नाइक्रोम बोला जाता है, ठीक है। इफ ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम देन इट्स कंडक्टेंस विल बी 2 होगा, 1/R कर दो, 1/0.5 दैट इक्वल्स टू 2 cm, ओके। नेक्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट 200 वोल्ट लैम्प इज, रेजिस्टेंस पूछा है, आर का फॉर्मूला सीधा पुट करो, V² / W, V 200 × 200/200 इक्वल्स टू 200 ओम, डायरेक्ट सवाल है। फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ज द टाइम पीरियड फ्रेंड्स टी इक्वल्स टू 1/A, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 200 डालो और आंसर आएगा 0.005 सेकेंड। ए CRT स्क्रीन इज कोटेड विद फॉस्फोर, CRT स्क्रीन में क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड किया जाता है ताकि जो गॉन की तरह इलेक्ट्रॉन जाता है, और हमको एक कोई भी पिक्चर है वो जैसे लेट्स ले सजेस्ट पैटर्न और कोई पैटर्न हमको मिलता है उसमें अंदर फॉस्फोर का कोटिंग किया जाता है, सो आंसर होगा सी। द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन वेव वाइंडिंग का 2 ही होता है, अगर लेफ्ट वाइंडिंग होता तो दैट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल होता है, लेकिन वेव में नॉट सिर्फ 2 ही होता है। 40 नंबर, क्लिप ऑन टाइप मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड टंगस्टेस्टर, क्लिप ऑन टाइप यानी जो करंट मेजर किया जाता है वो कोई कॉन्टैक्ट नहीं, डायरेक्ट उसका क्लिप होता है, क्लिप के थ्रू हम मेजर करते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और बाकी 40 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सो थैंक यू फ्रेंड्स।